देख बिना ब्रेक डाउनलोड टक ऐप। आज 28 दिसंबर 2019 है और शनिवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2076 है और शक संवत 1941। पौष मास चल रहा है और शुक्ल पक्ष द्वितीय तिथि है सुबह 11:10 तक और उसके बाद तृतीय तिथि है। उत्तराषाढ़ नक्षत्र है शाम 6:43 तक और उसके बाद श्रवण नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं मकर राशि में। आज पंजाब में मनाया जाने वाला जोड़ मेला समाप्त हो रहा है। मेष राशि वालों के लिए काम काज के क्षेत्र में कोई प्यार का रिश्ता पनप सकता है और किसी के लिए ये प्राथमिकता हो सकती है कि यही समय अपने काम काज में अपनी लगन को और अपने प्रदर्शन को बढ़ाने का भी हो सकता है किसी के लिए ये प्राथमिकता हो, इसलिए जो भी रास्ता चुने उसमें आपको लोगों के सहयोग से ही सफलता मिलेगी। मेष राशि वालों के लिए काम काज के क्षेत्र में कोई प्यार का रिश्ता पनप सकता है और किसी के लिए ये प्राथमिकता हो सकती है कि अपने कामकाज में अपनी लगन को और अपने प्रदर्शन को बढ़ाया जाए। वृषभ राशि वालों के लिए पारिवारिक रिश्तों को समझना और संभालना थोड़ा सा कठिन हो सकता है क्योंकि आप जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें आपकी व्यस्तता कुछ ऐसी बनी हुई है जो आप लोगों के लिए समय नहीं निकाल पा रहे और निजी जीवन की इस समय बनी हुई परेशानियों का यही एक बहुत बड़ा कारण। क्या करना चाहिए इस समय में? मुश्किलें हैं और कुछ समय तक बनी भी रह सकती हैं, पर फिर भी अपने नज़रिए को बहुत ज़्यादा सुधारने की ज़रूरत है। मिथुन राशि वालों को अपनी कोशिशों को इस रूप से बनाना होगा जो लोगों को समझ आए और जिसके चलते आपको लोगों का सहयोग मिले। इस तथ्य को समझने के लिए आपको लोगों की ओर से अच्छे बनते हुए विचारों को भी समझना होगा ताकि ज़िंदगी के रास्ते को सुगम बनाया जा सके। क्या करना चाहिए इस समय में? कई तरह की ऐसी मुश्किलें बनी हुई हैं जिसके चलते नुकसान हो सकता है, इसलिए सूझबूझ बनाए रखने के साथ साथ भरोसा भी बनाए रखना होगा। थोड़ा सा आशावादी नज़रिया बना के चलने से इस समय से जुड़ी कमियों को संभालना भी आसान होता चला जाएगा। कर्क राशि वालों की कोई भी बहस आपकी मुश्किलों को बढ़ा सकती है और लोगों से तकरार की स्थिति पैदा कर सकती है। दूसरी ओर यह भी सच्चाई है कि आप लोगों को ज़्यादा समझने की कोशिश कर रहे हैं ताकि तालमेल को बढ़ावा दिया जा सके और अगर कोई भी बात बिगड़ेगी तो आपकी अच्छी कोशिशें भी विफल होती चली जाएंगी। क्या करना चाहिए समय? कारण कोई भी क्यों ना हो पर लोगों को अपने खिलाफ करते चले जाने से बचना होगा, इसलिए इस समय की प्राथमिकताओं को भी समझना होगा। रिश्तों की अच्छाई भरपूर बनी हुई है और निजी जीवन की खुशियां बनाए रखने के लिए कोशिश की जा सकती है। कामकाज के क्षेत्र में भी तरक्की पाने का समय। सिंह राशि वाले रिश्तों के प्रति सजग है और उनके लिए बहुत कुछ कर भी रहे हैं पर खुद दुखी होते चले जा रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि आपकी बात पूरी तरह से समझी नहीं जा रही। क्या करना चाहिए समय? रिश्तों की अच्छाई बनाए रखने के लिए अपने मन में बहुत सारा धैर्य भी बनाए रखना होगा और इस बात को भी समझना होगा कि किसी भी बात को बनने और पनपने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है और जल्दबाजी दिखाने से नुकसान ही होता है। कन्या राशि वाले निजी जीवन की खुशियां बनाए रखने के लिए बहुत सारे ऐसे कदम उठा रहे हैं जो आपको अपनों के करीब ले आए। इस बात को इस रूप से समझें कि जो लोग पहले आपकी आलोचना कर रहे थे शायद वो भी अब आपको ज़्यादा समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या करना चाहिए समय में? किसी प्यार के रिश्ते को आगे बढ़ाने का आप मन बना चुके हैं, अब उस पर चलना बाकी है और परिस्थितियां आपकी हर तरह से मदद करती चली जाएं, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। तुला राशि वाले ही समझ लें कि दोस्तों के प्रति अपनी वफादारी निभाने से ज़िंदगी की खुशियां बनी रह सकती हैं और अच्छे दोस्त भी कभी कभी ही मिला करते हैं जो आपकी बात को समझें और आपकी ज़िंदगी में अहम भूमिका निभा पाएं। क्या करना चाहिए समय में? अपनी कोशिशों से अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर किया जा सकता है पर इस प्रयास में कुछ सीखने का और कुछ बेहतर करने का मौका भी मिल सकता है। लोगों के प्रति सद्भावना बनाए रखने से भी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। वृश्चिक राशि वालों के काम की स्थिरता बनी रहे और काम से लाभ बना रहे ये बहुत बड़ी बात और इसी चीज़ से जिंदगी का भरोसा भी बना रहेगा। जो समय आपसे मेहनत करवा ले वही आपकी सफलता को आगे भी बनाए रखेगा। क्या करना चाहिए समय? स्थान परिवर्तन से जुड़े कई तरह के विचार हो सकते हैं आपके मन में पर उन्हें सच्चाई में परिवर्तित करने के लिए बहुत सारी चीज़ों के बारे में एक साथ सोचना होगा, उससे जुड़ी रोजमर्रा की चुनौतियों को भी समझने की कोशिश करनी होगी। धनु राशि वाले ही समझ लें कि परिस्थितियां हर तरह से आपके साथ हैं और तकदीर भी आपका साथ निभा रही पर किसी प्यार के रिश्ते से जुड़ी मुश्किलें बनी रहें ये बहुत हद तक संभव भी है। क्या करना चाहिए समय में? अपनी कोशिशों से अपनी ज़िंदगी की स्थिरता बनाई जा सकती है और अपनी आर्थिक स्थिति को बढ़ावा देने के लिए भी कई तरह के अच्छे विकल्प बन सकते हैं। ऐसे में अपने व्यवहार में सूझबूझ लानी होगी और लोगों पर भी भरोसा करना होगा। मकर राशि वालों की कठिनाइयां इस वजह से हैं क्योंकि लोगों को समझना मुश्किल है। कामकाज के क्षेत्र में हो सकता है लोग आपकी सहायता करें पर पीठ पीछे अगर लोग आपकी आलोचना करें तो उसे संभालना मुश्किल हो सकता है। क्या करना चाहिए समय में? अपनी गलतियों की वजह से अपनी मुश्किलों को बढ़ाते चले जाने से बचना होगा। आमदनी ठीक है पर किसी भी तरह का बड़ा खतरा मोल लेने से नुकसान हो सकता है, इसलिए भी संभल के चलना होगा।
क्या ना करें इस समय में, कामकाज में अपना समर्पण बनाए रखने में कोई कमी ना आने दें। इसलिए लोगों के भरोसे चल के अपने प्रदर्शन को कहीं आप कम ना करते चले जाएं। ये और बात है कि लोगों का सहयोग आपको मिला हुआ है, जिसके चलते कामकाज की स्थिति संभली रहे। कुंभ राशि वालों के लिए लोगों से बनता हुआ तालमेल आपकी सफलता का राज हो सकता है, पर किसी भी तरह का बड़ा खतरा मोल लेने से मुश्किलें भी पैदा हो सकती हैं। इसलिए बहुत सारा धैर्य बनाए रखने की ज़रूरत है और कोई भी कदम उठाने से पहले एक बार फिर से सोच लेने की ज़रूरत है। क्या करना चाहिए इस समय में, चाहे कामकाज हो या पैसे की स्थिति हो, स्थिरता बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अपने मन में बनते बिगड़ते विचारों को थाम लेने की ज़रूरत है। किसी बड़े परिवर्तन के विचार को फिलहाल त्याग देना बहुत ज़रूरी होगा। मीन राशि वाले ही समझ लें कि कामकाज के लिए ज़रूरत से ज़्यादा पैसा जुटा लेना या ज़रूरत से ज़्यादा पैसा लगा लेना, दोनों ही ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिसके बारे में ध्यानपूर्वक फैसले करने होंगे। कामकाज की स्थिति ठीक है और उसे विस्तार दिया जा सकता है, पर बड़े लाभ की उम्मीद में कोई ना कोई नुकसान की स्थिति भी बन सकती है, इसलिए अपने फैसले ध्यानपूर्वक लेने की जरूरत है। देख बिना ब्रेक डाउनलोड तक ऐप।